जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय माता रानी की, जय माँ दुर्गा शारदीय नवरात्रि महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको श्री दुर्गा सप्तशती के पांचवें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। बोल माता रानी की जय। ऋषि कहने लगे हैं, प्राचीन समय में शुंभ और निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मद में आकर इंद्र का, त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर और वरुण का अधिकार पा लिया। वायु और अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को तो अपमानित, पराजित और राज्यभ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया। जिनके अधिकार उन दो असुरों ने छीन लिए थे, वे सभी पराजित देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारी महान संकट उसी क्षण दूर कर दूंगी। यही वर विचार कर पर्वतराज हिमालय पर सभी देवता पहुँचे हैं। वहाँ भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी और महादेवी को नमस्कार हो, शिवा को सदा नमस्कार हो, प्रकृति भद्रा को नमस्कार हो। हम सनियम उस भगवती को प्रणाम करते हैं। रुद्र रूपा को नमस्कार, नित्य स्वरूपा गौरी धात्री को नमो नमः हो। ज्योतिषना रूपिणी चंद्र स्वरूपा सुखमयी को निरंतर नमो नमः। प्रणाम करने वालों की उन्नति करने वाली सिद्धि स्वरूपा को नमस्कार हो। देवियों की लक्ष्मी राज्य लक्ष्मी शंकर पत्नी माता जी को नमो नमः हो। दुर्गा संकट से पार कराने वाली दुर्ग पारा सार रूप सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा धूमरा देवी को निरंतर नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बार बार प्रणाम हो। जगत की प्रतिष्ठा रूपा कृति देवी को नमो नमः हो। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से कही गई है, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतुओं में शुदा और छाया रूप से स्थित है, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी प्राणियों में क्षमा शक्ति तथा तृष्णा रूप से स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा शांति और श्रद्धा रूप से स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति कांति और लक्ष्मी के रूप में स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी इस सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप से स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की, इसी प्रकार कई दिनों तक सूर्यपति इंद्र जिसकी सेवा करता रहा, वह मंगल रूपा परमेश्वरी हमारे मंगल एवं कल्याण करे और हमारी आपत्तियां दूर करे। दुष्ट देवताओं से संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं और जो भक्ति पूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्यों द्वारा स्मरण की जाने पर उनकी सभी विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वह हमारी भी सभी विपत्तियों को दूर करे। ऋषि कहने लगे हैं, हे राजन, देवता लोग जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे, उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए माता पार्वती जी आई हैं। उस समय सुंदर मुहों वाली पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली हैं कि ये देवता तो शुंभ दैत्य से सताए हुए एवं संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती जी के शरीर कोश से श्री अंबिका जी का प्राकट्य हुआ, इसी कारण सारे संसार में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई, तब श्री पार्वती जी रूप में काली हो गई।
हिमालय में रहने के कारण इनका काली का नाम भी ख्यात हुआ। उसके अनंतर शुम्भ निशुम्भ के नौकर चंड और मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा जो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने शुम्भ दैत्य को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदर स्त्री वहां पर बैठी है। वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने भी कहीं नहीं देखा होगा। हे असुर राज, वह देवी कौन होगी? इस बात का आप ही पता लगाइए और ग्रहण करें। वह स्त्री क्या है? रतन ही है। उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं। अपनी दिव्य कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्येंद्र, वह तो बैठी हुई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। प्रभु, जैसे भी हो आप उसे ग्रहण कीजिए, ऋषि कहने लगे हैं। तब चंड और मुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार कहना और इस प्रकार का उपाय करना जिससे कि वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र यहाँ पर आ जाए। ये सुनकर वह दैत्य पर्वत के उस प्रदेश पर जा पहुँचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहाँ ही देवी बैठी हुई थी। वहाँ जाकर उसने देवी से बहुत मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे हैं। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर है। मैं उसका दूत हूँ, आपके पास उसने भेजा है, मैं यहाँ हूँ। सभी देव जातियों में कोई भी ऐसा देवता नहीं है जो इसकी आज्ञा ना मानता हो। उसने सभी देवताओं को परास्त कर दिया है, सभी देवता उससे हार गए हैं। अब आपके लिए उसका जो संदेश है वह मुझसे सुनिए। उसने कहा है कि सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है, सभी देवता मेरे अधीन है, सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर में उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। उसी प्रकार इंद्र के वाहन श्रेष्ठ एरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर समुद्र से उत्पन्न उच्चेश्वर नामक अश्वरत्न प्रणाम करके भेंट कर दिया है। और भी जितने देव गंधर्व और नागों के पास रत्न रूप में वस्तुएं थी वे सब की सब हे सुंदरी मेरी हो चुकी हैं। हे देवी, अब हम तुमको स्त्रियों में एक रत्न मान रहे हैं, इस कारण अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्नों के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुम्भ को इन दोनों में से किसी को वर लो, क्योंकि तुम रत्न रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। यह अपनी बुद्धि द्वारा सोच ले, फिर मेरे साथ विवाह कर ले, ऋषि कहने लगे हैं। जब इस प्रकार देवी से दूत ने कहा तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती माँ देवी जी गंभीर होकर मंद मुस्कान करके कहने लगी हैं कि हे दूत, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं है। इसमें संदेह नहीं है कि शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुंभ भी वैसा ही है, परंतु मैंने भी प्रतिज्ञा की हुई है, उसे किस प्रकार से मिथ्या करूं? मेरी प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत ले और मेरा अभिमान तोड़ दे और संसार में मेरे समान बलधारी हो वह मेरा भर्ता हो सकता है। शुंभ आए अथवा महाअसुर निशुंभ आ जाए, मुझे जीत कर मेरा शीघ्रता से पानी ग्रहण करे। दूत कहने लगा है, हे देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। कहो भला त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके? सारे देवता तो दूसरे देवताओं का सामना भी नहीं कर सकते, तू तो स्त्री है फिर अकेली है। युद्ध भूमि में इंद्र आदि सभी देवता जिन शुंभ आदि देवताओं के सामने न ठहर सके, भला तू स्त्री होते हुए उनका सामना कैसे कर सकेगी? इसी तरह चले चलने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो उस समय तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। दूत के ये वचन सुनकर देवी कहने लगी हैं कि हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं है कि शुंभ बलवान है और निशुंभ भी पराक्रमी है, पर मैं करूं तो क्या करूं? प्रतिज्ञा करने से पहले यह बात मैंने नहीं सोची थी। अब तो तुम जाकर असुर राज को मेरी यही बात कह दो, फिर उसे जो उचित दिखाई दे वो वही करे। तो यहीं पर श्री दुर्गा सप्तशती के पांचवें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। इससे अगले अध्याय की कथा आप अगले भाग में हमारे से सुन पाएंगे।
तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। आप सब से निवेदन है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और भगवान की अन्य दिव्य कथाओं के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भगवान की कथाओं का आप आनंद ले सके। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माता रानी की अनंत कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माता रानी की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।